घर एक ऐसी जगह जहां हम एक बार नहीं कई बार गलतियां करते हैं, उन्हें दोहराते हैं, लेकिन घर ही एक ऐसी जगह है जहां हमें अपनी गलतियों को सुधारने का मौका मिलता है। आज लैरी और जूलिया एक घर में आए थे। लैरी घर को देखकर बहुत खुश होता है और जल्दी जल्दी अपनी बेटी को भी यहां बुलाना चाहता है। जूलिया को एक कमरे में काफी तस्वीरें मिलती हैं, जिनमें से एक तस्वीर उसकी और फ्रैंक की थी। दरअसल ये घर फ्रैंक का था, जो लैरी का भाई था। कुछ दिनों बाद लैरी और जूलिया इस नए घर में अपना सामान लाते हैं और फ्रैंक का सामान बाहर जाता है। लैरी की खूबसूरत बेटी, जिसके बाल घुंघराले थे, क्रिस्टी, वो घर के बाहर पड़े फ्रैंक के सामान को देखकर मुस्कुराती है। फिर क्रिस्टी अपने पिता लैरी को जाकर मिलती है और इसके बाद वो अपने पिता की वाइफ जूलिया से भी मिलती है। दरअसल क्रिस्टी की माँ कई साल पहले मर चुकी थी। अब जूलिया घर के एक कमरे में थी, जिसे हम परछत्ती भी कहते हैं, और तभी लैरी दरवाजा खोलकर अंदर आता है। घर का सामान उठाते वक्त लैरी के हाथ में चोट लगी थी, जिससे खून टपक रहा था जो फर्श पर गिर रहा था। लैरी के हाथ की चोट काफी गहरी थी, जिस पर जूलिया कपड़ा रखती है ताकि खून बंद हो जाए, लेकिन फर्श पर गिरा खून धीरे धीरे गायब हो रहा था, जैसे फर्श खून को निगल रहा हो। नीचे लैरी को लेकर जूलिया और क्रिस्टी हॉस्पिटल जाते हैं, जबकि ऊपर उसी कमरे में जानी परछत्ती में कुछ बाहर आने की कोशिश कर रहा था, और कुछ ही देर में एक बिना चमड़ी वाला आदमी बाहर आ जाता है। रात को घर में लैरी और जूलिया अपने करीबी दोस्तों के साथ डिनर कर रहे थे, जहां क्रिस्टी का दोस्त स्टीव भी आता है। कुछ देर बाद जूलिया अकेले ही उठकर वहां से चली जाती है। जूलिया दूसरे कमरे में आती ही है कि तभी उसे परछत्ती से कोई आहट सुनाई देती है। जूलिया सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाती है और परछत्ती का दरवाजा खोलकर अंदर आती है। जूलिया कमरा देख ही रही थी कि तभी एक हाथ उसकी एक लात पकड़ लेता है। जूलिया डरकर भागने लगती है, लेकिन वो हाथ दरवाजा बंद कर देता है। तभी आवाज आती है, जूलिया, और जूलिया अपना नाम सुन डर जाती है। वो कहता है, मेरी तरफ मत देखो। जूलिया डरकर, तुम कौन हो? वो कहता है, फ्रैंक। जूलिया जिस सुन कहती है, नहीं। वो कहता है, यकीन करो, ये मैं हूँ। जूलिया फिर डरने लगती है। वो कहता है, उसका फर्श पर गिरा खून मुझे वापस ले आया। जूलिया पूछती है, कहाँ से? लेकिन फ्रैंक सिर्फ मदद करने को कहता है। दरअसल फ्रैंक को ठीक होने के लिए, यानी पहले जैसा बनने के लिए काफी खून चाहिए था, और वो इसी काम के लिए जूलिया की मदद चाहता था। अगले दिन सुबह जूलिया तैयार होकर घर से निकलती है, जो फ्रैंक की मदद करने वाली थी। कुछ देर बाद जूलिया एक बार में पहुंचकर एक आदमी को अपनी बातों में फंसाकर उसे अपने घर की परछत्ती में ले आती है। जूलिया जल्द ही मौका देखकर उसे हथौड़े से मार देती है और बाहर निकल आती है। वो डर गई थी, क्योंकि खून के छींटे उस पर भी पड़ चुके थे, और पीछे फ्रैंक अपना काम शुरू कर देता है, जो पहले जैसा बनना चाहता था। जूलिया अपने कपड़े बदल कर फिर परछत्ती पर आती है और लाश की हालत देखकर डर जाती है। ऐसा लग रहा था कि मानो लाश का खून और चमड़ी किसी ने चुरा ही लिया हो। सामने फ्रैंक खड़ा था, जो पहले से ठीक लग रहा था। फ्रैंक जूलिया को बताता है कि मुझे जितना खून मिलेगा, मेरी चमड़ी भी उतनी ही वापस आती रहेगी। अगले दिन जूलिया फिर किसी को बातों में फंसाकर घर लाती है और उसे भी परछत्ती पर लाकर मार देती है। रात को जूलिया जानना चाहती थी कि फ्रैंक फिर से कैसे जिंदा हुआ, इसीलिए वो फ्रैंक से पूछती है, तुम मुझे पूरी बात बताओ। फ्रैंक उसे एक बॉक्स दिखाकर कहता है, मैं इसके कारण जिंदा हुआ हूँ। जूलिया के पूछने पर फ्रैंक बताता है कि ये बॉक्स नर्क का दरवाजा खोलता है। दरअसल फ्रैंक लैरी का भाई था, जो पहले जूलिया का दोस्त भी था। फ्रैंक को ये बॉक्स कहीं से मिला था और वो इसे खोलकर देखना चाहता था, लेकिन उसने नर्क देखा और मारा गया। अगले दिन जूलिया फिर किसी को घर लेकर आती है, लेकिन इस बार क्रिस्टी उन्हें देख लेती है। परछत्ती में जूलिया उस आदमी को मारती है और वो चीखता है, और उसकी चीखें क्रिस्टी सुन लेती है। क्रिस्टी धीरे धीरे परछत्ती की तरफ बढ़ती है और उसके सामने वो आदमी आ जाता है, जिसे जूलिया लेकर आई थी। क्रिस्टी उसकी हालत देखकर डर जाती है। फिर क्रिस्टी के सामने फ्रैंक भी आ जाता है और क्रिस्टी और भी डर जाती है। फ्रैंक उसे समझाता है कि मैं फ्रैंक हूँ,
तुम्हारा अंकल। लेकिन क्रिस्टी डर कर परछत्ती में आ जाती है। फ्रैंक भी उसके पीछे आकर उसे पकड़ लेता है, लेकिन क्रिस्टी उसे मारती है। फिर क्रिस्टी के हाथ वो बॉक्स लग जाता है जो वहीं जमीन पर पड़ा था। क्रिस्टी के हाथ में बॉक्स देखकर फ्रैंक उसे वापस मांगता है, लेकिन क्रिस्टी बॉक्स को खिड़की से बाहर फेंक देती है और वहां से भाग जाती है। क्रिस्टी भागकर घर के बाहर पड़ा बॉक्स उठाकर दौड़ती है। आगे जाकर क्रिस्टी ज्यादा मानसिक तनाव के कारण बेहोश हो जाती है। रात को क्रिस्टी को होश आता है जो एक हॉस्पिटल में थी। क्रिस्टी वहां से जाने लगती है, लेकिन डॉक्टर उसे आराम करने को कहता है। डॉक्टर को जो बॉक्स क्रिस्टी के पास मिला था वो उसे क्रिस्टी के पास रखकर चला जाता है। डॉक्टर के जाने के बाद क्रिस्टी बॉक्स को देखने लगती है और उसे खोल लेती है। बॉक्स खोलने के बाद क्रिस्टी के कमरे में एक दीवार खुद ब खुद खुल जाती है जिसमें एक रास्ता था। क्रिस्टी हैरान होकर उस नए रास्ते की तरफ बढ़ने लगती है। क्रिस्टी धीरे धीरे आगे बढ़ती है और आगे जाकर उसके सामने एक अजीब सा जीव खड़ा था। वो दो पैरों वाला अजीब सा जीव तेजी से क्रिस्टी की तरफ बढ़ता है, जिसे देख क्रिस्टी भागती है। क्रिस्टी तेजी से भागकर अपने कमरे में आ गिरती है, जबकि दीवार फिर से पहले जैसी हो गई थी। क्रिस्टी खुद को संभालकर फिर से बॉक्स को उठाती है और उसे बंद करने की कोशिश करती है। उसे लगा था कि बॉक्स के खुलने के कारण ही वो दो पैरों वाला अजीब सा जीव आया था, इसीलिए वो बॉक्स को बंद करना चाहती थी। क्रिस्टी बॉक्स को घुमाती है, लेकिन इस बार पहले से कुछ खतरनाक होने लगता है। क्रिस्टी के कमरे में एक अजीब सा आदमी चैटर प्रकट हो जाता है, जिसके जबड़े बड़े लेकिन आंखें ना के बराबर थी। जो भी इसे सामने देखेगा यकीनन उसकी रूह तक कांप जाएगी। चैटर जाकर क्रिस्टी को पकड़ लेता है और तभी एक और आदमी प्रकट हो जाता है, जिसके चेहरे पर बहुत सारे पिन लगे थे, यानी पिन हेड। शांत सपाट चेहरे वाला पिन हेड। उसे देखकर ही लग रहा था कि ये आदमी दर्दनाक मौत का मसीहा है। अब आता है मोटा भद्दा चश्मे पहने बटरबॉल, जिसका चेहरा किसी फुटबॉल जितना बड़ा था। पिन हेड, वो बॉक्स जिसे तुमने खोला तभी हम आए, क्रिस्टी चिल्ला कर कहती है। वो सिर्फ पजल बॉक्स था। पिन हेड, बिल्कुल नहीं, ये हमें बुलाने का जरिया है, क्रिस्टी रोक कर पूछती है। तुम कौन हो? पिन हेड कहता है कि हम कुछ लोगों के लिए शैतान हैं और बाकी लोगों के लिए मसीहा। ये सुन क्रिस्टी कहती है कि मैंने गलती से बॉक्स को खोला था, न कि जानबूझकर। बटरबॉल क्रिस्टी को ऐसे देख रहा था कि मानो उसे कच्चा ही खा जाएगा। क्रिस्टी गुस्से में कहती है, गो टू हेल। अब ओपन थ्रॉट भी वहाँ आ गई थी और वो कहती है कि हम तुम्हें भी साथ लेकर जाएंगे। पिन हेड, तुमने बॉक्स को खोला था फिर हम आए, अब तुम्हें हमारे साथ जाना होगा। क्रिस्टी, रुको मेरी बात सुनो। पिन हेड उसे सुन रहा था। क्रिस्टी, तुम फ्रैंक को भी लेकर गए थे? ओपन थ्रॉट, बिल्कुल। क्रिस्टी, वो भाग गया। पिन हेड, हमसे कोई भी भाग नहीं सकता। क्रिस्टी उन्हें बताती है कि फ्रैंक नर्क से भाग आया है और फिर से जिंदा हो चुका है। क्रिस्टी अपनी जान के बदले उन्हें फ्रैंक तक ले जाने का भरोसा दिलाती है। पिनहेड उसकी बात सुन कहता है, फ्रैंक को मरना होगा, लेकिन तुम्हारे बारे में बाद में सोचेंगे। आखिर में ओपन थ्रॉट, अगर तुमने हमें धोखा दिया पिनहेड, तो तुम्हारी आत्मा तक रो पड़ेगी। दूसरी तरफ जूलिया और फ्रैंक बातें कर रहे थे, जिन्हें लगता है कि क्रिस्टी जल्द ही लैरी को सब कुछ बता देगी। दोनों जल्दी से घर छोड़कर भागना चाहते थे, लेकिन फ्रैंक का शरीर अभी पूरा नहीं हुआ था, यानी उसे अभी और खून चाहिए था। कुछ देर बाद लैरी ड्यूटी से घर वापस आता है और जूलिया उसी का इंतजार कर रही थी। रात को क्रिस्टी हॉस्पिटल से भागकर घर आती है और दरवाजा जूलिया खोलती है, जिसके बाद क्रिस्टी भागकर लैरी को मिलती है और उसे फ्रैंक के बारे में बताती है। लेकिन लैरी पर इसका ज्यादा असर नहीं पड़ता, क्योंकि वो काफी बदला बदला सा लग रहा था। लैरी कहता है कि मैंने फ्रैंक को मार दिया और वो अब कभी वापस नहीं आएगा। क्रिस्टी को लैरी की बातों पर यकीन नहीं होता और वो परछती पर आ जाती है। वो लाश देखकर बाहर जाने लगती है कि तभी चैटर, पिनहेड और बटरवॉल वहां आ जाते हैं। पिनहेड लाश की तरफ इशारा कर कहता है, हमें वो आदमी चाहिए जिसने इसे मार
मारा, लेकिन क्रिस्टी बिना नाम बताए वहाँ से भाग जाती है। क्रिस्टी नीचे आकर लैरी को कहती है कि हमें ये घर छोड़कर जाना होगा, लेकिन लैरी उसकी बात नहीं सुनता और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगता है। क्रिस्टी खतरा देख भागने लगती है, लेकिन जूलिया उसे पीछे से पकड़ लेती है। अब लैरी चाकू निकाल कर उसे मारने जाता है। वो जैसे ही उस पर वार करता है, क्रिस्टी घूम जाती है और चाकू सीधा जूलिया के पेट में घुस जाता है। दरअसल ये लैरी नहीं फ्रैंक था, जो अब काफी ठीक हो चुका था। फ्रैंक ने लैरी का चेहरा अपने चेहरे पर लगा रखा था। क्रिस्टी अब जान बचाने के लिए फिर से परछती पर आकर छुप जाती है। फ्रैंक जल्दी ही क्रिस्टी को ढूंढ लेता है और उसे मारने ही वाला था कि तभी पिनहेड और उसके साथी वहां आ जाते हैं। फ्रैंक उन्हें देखकर गुस्से में क्रिस्टी की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी हवा में एक हुक लहराती है और सीधा फ्रैंक के हाथ में घुस जाती है। फिर दूसरी हुक फ्रैंक के दूसरे हाथ में घुसती है और फ्रैंक दर्द से चिल्लाता है। इसके बाद बहुत सारी हुक्स आती हैं और फ्रैंक की चमड़ी उधेड़ देती हैं। ये देख क्रिस्टी कमरे से भागकर बाहर आती है। वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन ओपन थ्रॉट सामने आकर कहती है, हम तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। जे सुन क्रिस्टी भागती है और एक कमरे में आ जाती है, जहाँ उसे जूलिया की लाश के हाथ में बॉक्स मिलता है। क्रिस्टी जल्दी जल्दी बॉक्स उठा लेती है और तभी पिनहेड पीछे आकर कहता है, हम तुम्हें कुछ और भी दिखाना चाहते हैं। यानी अब क्रिस्टी की बारी थी, लेकिन वो जल्दी जल्दी बॉक्स को बंद कर देती है और नर्क के सभी लोग गायब हो जाते हैं। जी हाँ, नर्क के लोग यानी पिनहेड, ओपन थ्रॉट, चैटर और बटरबॉल। आखिर में क्रिस्टी उस दो पैरों वाले अजीब से जीव को भी बॉक्स की मदद से गायब कर देती है, जो उसे मारने की कोशिश कर रहा था। नर्क के लोगों के गायब होने के बाद घर में आग लग जाती है। क्रिस्टी इस आग में बॉक्स को फेंक देती है ताकि नर्क से फिर कोई वापस ना आए। लेकिन क्रिस्टी ये भूल गई थी कि कुछ चीजों को कभी भी जलाया नहीं जा सकता, जैसे बॉक्स को भी नहीं। दरअसल लैरी के भाई फ्रैंक ने अपनी जिंदगी में काफी गलत काम किए थे। उसे कहीं से वो बॉक्स मिलता है जिसके बारे में उसने काफी सुन रखा था। वो अपने घर की परछती में उस बॉक्स को खोल कर देखता है और तभी नर्क का दरवाजा खोल जाता है। इसके बाद पिनहेड और उसके साथ ही उसे मार देते हैं। इस कहानी में पजल बॉक्स, जो धरती और नर्क के बीच का रास्ता खोलता था, जो भी उस बॉक्स को खोलता था उसे पिनहेड और उसके साथी मार देते थे। अगर बॉक्स को खोलकर फिर से बंद कर दिया जाए तो पिनहेड और उसके साथी चले जाते थे। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।